हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती जो नई आई है उसमें क्या क्या ज़रूरत की, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी की, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उन सबको आज हम देखेंगे। ये वैकेंसी आई है जिसके अंदर टोटल 7,547 वैकेंसीज़ है और इसको मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं। इस पूरी वैकेंसी की डिटेल्स को अब हम आगे देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की नई भर्तियां आ गई हैं जो 1 सितंबर से भरी जाएंगी ऑनलाइन फॉर्म। उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, देख लेते हैं क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या है इस वैकेंसी के अंदर। सबसे पहले ये ग्रुप सी की पोस्ट है और ये पोस्ट दोनों फीमेल या मेल कहीं के भी ऑल ओवर इंडिया के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भर सकते हैं। दूसरी बात, ये ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट है और इस वैकेंसी की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है जो कि 14 नवंबर 2023 से स्टार्ट है। इसके बाद 14, 16, 18, 23 ऐसे करते करते दिसंबर की 4-5 तारीख तक ये एग्ज़ाम होंगे अलग अलग डेट में। अगला है एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन, कौन इसको भर सकता है। तो ये 12th पास कोई भी मेल या फीमेल कैंडिडेट इसको भर सकता है। बहुत कम योग्यता रखी गई है 12वीं पास, जो कि बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो भर सकते हैं। एज लिमिट देखें तो 18 से 25 साल, यानी कोई व्यक्ति जो 12th पास हो और मिनिमम 18 साल का हो वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है और मैक्सिमम है 25 साल। ये दोनों एज जो है, 18 तो मिनिमम सबके लिए है लेकिन 25 है अनरिजर्व के लिए, यानी जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। जो आते हैं ओबीसी में उनको 30 साल की और छूट दी जा रही है, यानी 28 साल तक के ओबीसी कैंडिडेट भर सकते हैं और एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट दी जा रही है, यानी 30 ईयर तक वो एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगला है फ़ी। तो जो एससी एसटी ओबीसी या तो फीमेल हैं या तो फिज़िकली बैकवर्ड हैं उनको 1 पैसे भी नहीं भरना इस फॉर्म को भरने के लिए। उधर अगर मैं बात करूँ मेल की या अदर कैटेगरी से है, यानी कि अगर मैं ओबीसी की बात करूँ या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो उनको 100 रुपये की फ़ी इसमें भरनी है। अब देखते हैं हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। देखते हैं आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ज़रूरी हैं। सबसे पहली तो हमने देखी थी कि 12th पास सबके लिए ज़रूरी है, बट अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप मेल हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप चाहते हैं फॉर्म भरना, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब फिज़िकल होगा इसका तब ये लाइसेंस आपको दिखाना होगा। अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की तो उनको किसी भी लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है फिज़िकल की हाइट क्या होनी चाहिए। अगर आप मेल कैटेगरी से हैं और अनरिजर्व्ड हैं तो 170 सेंटीमीटर आपकी अगर हाइट है तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी कम्युनिटी से हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। या तो आप स्टाफ कैटेगरी से हैं, यानी आपके घर में कोई भी आपके रिलेटिव मतलब मम्मी पापा या ऐसे कोई स्टाफ में हैं दिल्ली पुलिस में, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर चलेगी। और यही है फीमेल में, 1-2 सेंटीमीटर कम है, 152-153 इस तरीके से फीमेल्स में भी हैं। अगली मैं बात करूँ मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसे होगा इसका पेपर, तो ये होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे हम ऑनलाइन देंगे और 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिज़िकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट आपको पास करना है, यानी आपका फिज़िकल होगा और जो मेजरमेंट दी है जिसमें हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है उसे भी आपको क्वालिफाई करना होगा। अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा। तो अब मैं बात करती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, कैसा आएगा इसका एग्ज़ाम। तो सबसे पहले है GK GS और करंट अफेयर, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्लिश नहीं है। GK GS करंट अफेयर से टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के, टोटल 50 नंबर के। यानी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है GK GS का, करंट अफेयर का, जो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। उसके बाद सेकंड है आपकी रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 नंबर की, यानी 25 जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग से आएंगे। फिर है आपकी मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। उसके बाद है आपका कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज में आपको एमएस ऑफिस से पूरा आएगा और वेब से आएगा, इंटरनेट से आएगा, यानी एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट, वेब, ये सारी इसके अंदर आएंगी। टोटल 10 नंबर का होगा,
10 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मैं बात करूं 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इससे पहले जितने भी पेपर हुए उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट इस साल से नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दी गई है। यानी आपका टोटल जो पेपर है 100 नंबर का है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आपने गलत ऑप्शन करेक्ट करके आ गए तो। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, अगर आप चाहते हैं रीजनिंग की तैयारी करना तो 25 अगस्त से मेरी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आसान तरीके से मैं रीजनिंग कराऊंगी हर एक टॉपिक का। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग मेरे साथ सीखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 10:30 बजे मॉर्निंग में रीजनिंग की क्लासेज आएगी हर एक टॉपिक के ऊपर, बहुत ही क्लियरिटी से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी रह गई है, सैलरी का आपका लेवल, वो भी देख लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ सैलरी कौन से लेवल की है तो लेवल 3 की इसकी सैलरी है, जिसमें बेसिक पे 21,700 से लेके इतनी है। अगर मैं बात करूँ आपकी हाथ में कितनी सैलरी आएगी तो 40,000 से लेके 1,00,000 के बीच में है। सैलरी भी अच्छी है, एलिजिबिलिटी भी 12th पास है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा मौका है और दिल्ली पुलिस के अंदर है। ये वैकेंसीज यूजली 3-4 साल के गैप में आती है। लास्ट ईयर 2020 में आई थी और 2023 में इस साल आई है। अगर आप चाहते हैं, इस इंटरेस्टेड हैं इसमें अपना भरना फॉर्म, तो आप इस वेबसाइट पर जाके कम्प्लीटली इसे पढ़ लें, इसकी सारी क्या क्या नोटिफिकेशन को, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं 1 सितंबर से। और अगर बात करूँ टोटल वैकेंसी आपकी 7,547 है, जिसमें फीमेल्स के लिए 2,500+ वैकेंसीज हैं और मेल के लिए 5,000+ वैकेंसीज है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप किसी इस SSC के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आराम से भर सकते हो। तो ये है आज की नोटिफिकेशन जो आई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग सीखना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 25 अगस्त से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल डिटेल से, बेसिक से मैं आपको हर एक चैप्टर कराऊंगी। वैसे और भी ऐसे टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।